नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एडुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ा, जो कि आपका ये जर्नलिंग बैच है 2022 का, और इसमें आपका नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक का इसमें दिया गया करंट अफेयर। तो इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वही आपका अदर फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो आपका अदर फिल्म अवार्ड है जो कि इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पैथर पंचली वॉज डिक्लेयर एज द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। तो पैथर पंचली वॉज डिक्लेयर एज द फिल्म बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इंडियन फिल्म ट्रिपल आर वॉज अवार्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 50th सैटर्न अवार्ड 2022 हेल्ड इन लॉस एंजलिस USA। तो इंडियन फिल्म ट्रिपल आर वॉज अवार्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 50th सैटर्न अवार्ड 2022 हेल्ड इन द लॉस एंजलिस USA। फेमस इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस आशा पारेख विल बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑफ द फॉर द ईयर 2020। द फेमस इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस आशा पारेख विल बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020। इंडिया गुजराती फिल्म चेलो शो हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 95th ऑस्कर अवार्ड 2023। तो इंडिया गुजराती फिल्म चेलो शो हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 95th ऑस्कर अवार्ड 2023। द कर्नाटका गवर्नमेंट पोस्टमसली ऑनर्ड कन्नाडा फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार विद द कर्नाटका रत्न। द कर्नाटका गवर्नमेंट पोस्टमसली ऑनर्ड कर्नाटका कनाडा फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार विद कनाडा कर्नाटका रत्न, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका रिसेंटली द यूनाइटेड अरब इमिरत UAE ग्रांटेड गोल्डन वीजा टू इंडियन फिल्म एक्टर कमल हसन। तो कमल हसन को UAE ने गोल्डन वीजा दिया है, ठीक है। और आपके जो है कर्नाटक का जो गवर्नर है, कर्नाटका का जो सरकार है, उसने पुनीत राजकुमार को जो है मरणोपरांत कर्नाटका रत्न दिया है। और इंडिया गुजराती फिल्म चेल्लो को जो है 95th ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और फेमस इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस आशा परेख को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 मिला है। और इंडिया फिल्म ट्रिपल आर वॉज अवार्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 50th सैटर्न अवार्ड 2022 हेल्ड इन लॉस एंजलिस USA। तो आपका ट्रिपल आर फिल्म को जो है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला 50th सैटर्न अवार्ड 2022 लॉस एंजलिस में। और पैथर पंचली वॉज डिक्लेयर एज द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। तो आपका जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स है, उसको जो है उसने जो है आपका पैथर पंचली को बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम का जो है अवार्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे डैनियल सभा 2022। तो जैसे डैनियल सभा 2022 हाइएस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ केरला, ये किसको मिला, तो KP कुमारन को मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर इनको दिया गया है। तो जैसे डैनियल अवार्ड 2022 हाइएस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ केरला KP कुमारन को मिला, KP कुमारन को, और ये मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर है थे ये, ठीक है। एट द 17th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 बांग्लादेश वाज चूजन एज द फोकस कंट्री एंड द गोल्डन कॉन्च अवार्ड डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन वाज चूजन, ठीक है। तो एट द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 बांग्लादेश वाज चूजन एज द फोकस कंट्री एंड द गोल्डन कॉन्च अवार्ड आपको किसको मिला, तो आपका डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को मिला है, ठीक है। तो गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला किसको, डच फिल्म टर्न योर बॉडी को। और आपका जो है फोकस कंट्री कौन था आपका, तो बांग्लादेश था, ठीक है। आपका किसमें, तो 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में। पीएम मोदी विल ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर सर्विस टू द कंट्री। तो आपको जब पहला जो है लेट दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिलेगा, तो पीएम मोदी को मिलेगा, ठीक है, फॉर सर्विस ऑफ कंट्री के लिए। तो पीएम मोदी विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री। इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल। तो भारतीय कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा के अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका इंडिया डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर वॉज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर ऑस्कर 2022। तो आपका जो भारतीय जो डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विद फायर, इसको जो 2022 के लिए ऑस्कर में जो है नॉमिनेट किया गया था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 वाज गिवन टू रजनीकांत। तो एक मानवा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 में किसको दिया गया था, तो आपको रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड थे फिल्म का, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा वन लैंग्वेज। तो एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से। तो पैथर पंचली वाज डिक्लेयर एज द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इंडिया
Indian film RRR was awarded the Best International Film Award at the 50th Saturn Award 2022 held in Los Angeles, USA. Famous Indian cinema actress Asha Parekh will be honored with the Dada Saheb Phalke Award for the year 2020. India's Gujarati film Chello Show has been nominated for the 95th Oscar Award 2023. The Karnataka government posthumously honored Kannada film actor Puneet Rajkumar with the Karnataka Ratne. Recently, the United Arab Emirates UAE granted golden visa to the Indian film actor Kamal Haasan. ठीक है. जैसे Daniel Award Varabai, highest film award of Kerala, KP Kumar, Malayalam film producer at the 70th Mumbai International Film Festival Varabai. Bangladesh was chosen as the focus country and the Golden Conch Award and the Golden Conch Award goes to Dutch film Turn Your Body to the Sun was chosen. PM Modi will be honored with the first Lata Dinanath Mangeshkar Award for service of the country. Indian actor Jamaluddin Siddiqui was honored with the Excellence in Cinema Award at the French Riviera Film Festival. India's documentary Writing with Fire was nominated as the first documentary for Oscar 2022 and 51st Dada Saheb Phalke Award 2019 was given to Rajinikanth. ठीक है. नेक्स्ट आपका कल पढ़ेंगे वेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड. तो आज के लिए मैं सकते हैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.